टैंकर मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, दूसरे चरण का मतदान में कुछ ही घंटों बाकी। आज हमारी यात्रा कोड़ा विधानसभा पहुंची और यहां पर रालोसपा के प्रत्याशी ललित जी से हमारी मुलाकात हुई है। बनहा मार्केट जनसंपर्क कर रहे थे, इसी बीच में हमारी मुलाकात हुई, इनसे जानेंगे क्या चुनावी मुद्दा है और कैसा आशीर्वाद इन्हें जनता से प्राप्त हुआ। कैसा माहौल है सर चुनाव में? जी नमस्कार, मैं अपने चैनल को धन्यवाद बोलता हूँ कि इस पद यात्रा में भी आपने इसको देखा और सुना। एक्चुअली इस क्षेत्र में विकास के मुद्दे में कुछ भी नहीं है, आज तक विकास नहीं हुआ। आज़ादी तक, अब आज़ादी से अब तक जो विकास होना चाहिए था, विकास मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सा मंजिल बना दिया किसी MLA ने, कोई भी रोड पुल पुलिया कुछ भी अच्छा सा ध्यान नहीं दिया, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, यूथ पर ध्यान नहीं दिया, किसान पर ध्यान नहीं दिया। हमने पहले भी इंटरव्यू में कहा है, मेरा नाम ललित है, मैं इस कोरा विधानसभा के लिए नेता नहीं बनना चाहता, यूथ को नेता बनाना चाहता हूँ, मेरा सबसे पहला है। दूसरा है, मैं अगर जीतूँ, मेरा घोषणा पत्र है, पार्टी की तरफ से भी है, और वो जो पर्सनल मेरा है कि अगर मैं यहाँ से MLA बनने का मौका मुझे मिला, यहाँ के जनता ने मुझे अगर समर्थन दिए, तो मैं कोड़ा विधानसभा का जो एक फ्लैट होता है वो फ्री करना चाहता हूँ, और वो जनता का चीज़ है, वो जनता के लिए होना चाहिए, मैं मेरे तरफ से वो घोषणा है। दूसरा है कि मैं उस कोड़ा विधानसभा का जो फ्लैट है, उस फ्लैट में जो दो टाइम का खाना होता है, मैं अपने कंपनी की तरफ से मैं जो कमाता हूँ उसका 1% रख करके मैं अपने जनता को एक सेवा देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा समस्या है इस क्षेत्र में, आप गेरावारी आप गए होंगे, गेरावारी में एक बाथरूम नहीं है, छोड़ दीजिए विकास की बात। मैंने अभी क्षेत्र भ्रमण करते हुए एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि भैया गेरावारी में मैंने पेशाब करने के लिए गया था और वहाँ लोग ने मुझे चिल्लाया और मैं दौड़ के भागा तो वहीं मैंने पेशाब कर दिया। बड़ा दुख हुआ, बूढ़े थे वो, तो आज तक आज़ादी से अब तक एक शौचालय तक नहीं है, तो विकास तो दूर की बात है। आप गेरावारी में देखेंगे, कोरा विधानसभा का बहुत अच्छा सुंदर सा गेरावारी है, आप एक ये रोशनी देख रहे हैं, ऐसा रोशनी सब जगह है, लेकिन गेरावारी अभी आप जाएंगे पत्रकार महोदय तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सा वेपर लाइट नहीं है जो गेरावारी का मार्केट सुंदर लगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का किसान का, मकई हुआ लोग काफ़ी निराश हैं, मखाना हुआ सारे लोग निराश हैं, इसके लिए कौन करेगा? इसीलिए आज जो नेता मतलब दौड़ में रेस में है, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, वो कैसे क्या करेंगे, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। मेरा सिस्टम है, मैं अपने कोड़ा विधानसभा के जनता को एक प्लानिंग दिया है कि मैं अगर ललित कुमार अगर जीतता है इस क्षेत्र से और जीतेंगे, सारे लोग मेरे जो गरीब बिरादरी हैं, जो उसके मध्यम बिरादरी हैं, खास करके युवा जो है वो गुण में चुप होकर के डर से बस ललित कुमार पंखा छाप 4 नंबर में मेरा है वहाँ पर अपना दिल को बसा लिया है। लोग खोज रहे हैं कि इसका वोटर कहाँ है, उसको मिलने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि भैया वोटर नहीं मिलने वाला है, वोट तो उस दिन हो जाएगा 7 तारीख के दिन, इसीलिए मुझे आप लोग वोट करें। मैं थोड़ा सा यूथ को जो निराश है उनके लिए कुछ प्लान लेके आया हूँ, ग्रास रूट में जो महिलाएं हैं उसके लिए कुछ सोशल काम करना चाहता हूँ, बकरी का सेल्फ हेल्प ग्रुप करके बकरी करना चाहता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप करके मुर्गी करना चाहता हूँ, बतख करना चाहता हूँ। मेरा इच्छा है छोटा छोटा पंचायत में सेल्फ हेल्प ग्रुप होकर के मोमबत्ती फैक्ट्री हो, अगरबत्ती फैक्ट्री हो, हम रोजगार कैसे करें, मेरा गरीब महिलाएं कैसे खा पाए, रोजगार मूलक मैं काम करना चाहता हूं, मेरा यही अरमान है। और इस क्षेत्र में मैं बेटा बनना चाहता हूं, बेटा हूं, पिछले साल मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैंने थर्ड किया था, इस बार फर्स्ट करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। किसी का आज तक निंदा नहीं किया है और मैं निंदा नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं सारे लोग फील्ड में हैं, बस मैं कर्म कर रहा हूँ। सरकार किसकी बनेगी? सरकार मेरी बनेगी, उपेंद्र कुशवाहा की सरकार बनेगी। अभी सारे लोग वो लोग अपने अपने लड़ाई में फंस गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का सारा एक सिस्टम पूरे बिहार में एक बहुत अच्छा सिस्टम होने जा रहा है। कुशवाहा जी किसके साथ जाएंगे? कुशवाहा जी मतलब देखेंगे, हमारा सरकार खुद बनने जा रहा है। जिसने इज्जत नहीं दिया या जिसने तवज्जो नहीं,
नहीं 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 ऐसा नहीं है, हमारा सरकार खुद अपने से बनने जा रहा है, हमारे पास लोग आएंगे, मुझे ऐसा आकलन लग रहा है। आप नहीं जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास लोग आएंगे। सीएम उपेंद्र जी? जी जी जी, सीएम उपेंद्र जी बनेंगे। सीएम उपेंद्र जी बनेंगे, ना इज्जत करने वाले के पास जाएंगे, ना तवज्जो जिसने नहीं दिया उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी ने अधर में लटका कर लास्ट तक ने इंतजार करवाया, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। और एनडीए जिनके भरोसे दिल्ली गए थे, चार दिन की दिल्ली यात्रा किए और सफलता हासिल नहीं, उनके साथ भी नहीं जाएंगे। और अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे, जिन्हें समर्थन करना होगा वो मेरे पास आएंगे, जिन्हें नहीं करना होगा वो मेरे पास नहीं आएंगे। और इसी के साथ मैं विकास करूंगा, मैं उपेंद्र जी के हाथों को मजबूत करूंगा। कूड़ा का बेटा कूड़ा का विकास करेगा, कूड़ा की जो मूलभूत समस्याएं हैं एक भी कार्य नहीं हुआ, उन तमाम कार्यों पर फोकस कर उसको विकास किया जाएगा। और छोटे छोटे रोजगार जैसे मोमबत्ती हो या मखाना उद्योग को लगा कर यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का कोशिश करूँगा, ये कहना ललित जी का। तो इसलिए उनका एक ही अनुरोध है जनता से, इस बार कूड़ा का बेटा कूड़ा का विकास करेगा, कूड़ा का नेता विकास नहीं करेगा। और मुझे उम्मीद है कि 7 तारीख को मतदान कर हमें बिहार की विधानसभा भेजने का यहाँ की जनता पुरजोर मदद करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।